नेक्स्ट टॉपिक इज अल्गोरिदम इवेल्युएशन मेथड्स। लास्ट वीडियोस में हमने देखे 8 सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स। उनमें से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करना है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आउट ऑफ 8 सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स, हाउ डू वी सिलेक्ट अ सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम? ये हमें किससे पता चलेगा? अल्गोरिदम इवैल्यूएशन मेथड्स यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम किस सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन ए क्राइटेरिया टू बी यूज इन सिलेक्टिंग एन अल्गोरिदम। पहले हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कौन से सीपीयू शेड्यूलर क्राइटेरिया यूज़ करता है, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो सबसे पहले हमें इन क्राइटेरियाज में से एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा अल्गोरिदम को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन अंडर द कॉन्स्टेंट एट द मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम इज 1 सेकेंड। शेड्यूलिंग अल्गोरिदम चाहिए जो हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर दे और जिसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम जिससे हमें 1 सेकेंड मिले। या हमें एक ऐसा सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम चाहिए जिसमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम हमें मिले। तो हमें पहले क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा इन क्राइटेरियाज़ को यूज़ करके, क्या आप सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम चाहते हो या मिनिमम चाहते हो, एवरेज वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम मिनिमम चाहते हो। तो आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। वंस द सिलेक्शन क्राइटेरिया हैव बीन डिफाइंड, वी वांट टू इवेल्युएट द अल्गोरिदम्स अंडर कंसिडरेशन। एक बार आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया तो हम क्या करेंगे, अल्गोरिदम्स को इवेल्युएट करेंगे उस क्राइटेरिया के बेसिस पर। देयर आर 3 अल्गोरिदम इवेल्युएशन मेथड्स विच कैन बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एन अल्गोरिदम। 3 इवेल्युएशन मेथड्स हैं जिससे हम किसी अल्गोरिदम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो उस गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट मेथड इज़ डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिक इवेल्युएशन। सेकेंड इज क्यूइंग मॉडल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूइंग एनालिसिस एंड थर्ड इज सिमुलेशन। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग और एनालिटिक इवेल्युएशन। This evaluation method takes a predetermined workload and evaluates each algorithm using that workload. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले से ही एक वर्कलोड गिवन होगा, यानी प्रोसेस गिवन होगी, उसका अराइवल टाइम गिवन होगा और उसका CPU बर्स्ट गिवन होगा, और उस गिवन वर्कलोड पे हमें algorithms को evaluate करना होगा। Assume we had given workload with 4 processes all arrive at time 0. हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, उनका सीपीयू बर्स गिवन है और सारी जो हैं वो 0 टाइम पे अराइव हुई है सिस्टम पे, और गिवन टाइम क्वांटम 2 मिलीसेकंड है। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो विच एल्गोरिदम विच वुड गिवन द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम विल बी द बेस्ट वन। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमें ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम दे। तो जो अल्गोरिदम हमें ये मिनिमम वेटिंग टाइम प्रोवाइड करेगा वो बेस्ट वन होगा, यानी वो हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखें, तो क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और अराइवल टाइम क्या है कि सेम है सभी का, तो सारी प्रोसेस एक साथ आई हैं, तो आप किसी भी ऑर्डर में जो है दे सकते हो किसी को भी सीपीयू, चाहे पहले P1 को असाइन करो, फिर P2, फिर P3, फिर P4, या पहले P2, P3, P1, P4, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो क्योंकि सारी प्रोसेस एक साथ आई हैं। लेकिन नॉर्मली हम नंबर्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो पहले P1 को दे देते हैं, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को। तो 0 टाइम पे हमने P1 को दिया, इसे कितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था, 6, तो 6 के लिए हो गया। फिर P2 को दिया तो 6 + 12 हो गया 18। फिर P3 को दिया 18 + 1 19। P4 को 3 टाइम के लिए चाहिए तो 19 + 3 22। तो ये इसका गैंट चार्ट हो गया। हमें सिर्फ वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ता है। टर्न अराउंड टाइम होता है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है, 0, तो हमें हर प्रोसेस का सिर्फ क्या चाहिए, फिनिश टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, फिनिश टाइम के इक्वल। और वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट। टर्न अराउंड टाइम किसके इक्वल हो गया है, फिनिश टाइम। तो फिनिश टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट। तो हमारे वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिनिश टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट। तो इसका वेटिंग टाइम P1 का निकालना है, तो P1 फिनिश कब हुई है, 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो 0 वेटिंग टाइम आएगा। P2 का क्या होगा, P2 18 पे फिनिश हुई है और उसका ये क्या, सीपीयू बर्स्ट 12, तो 18 माइनस 12 इज 6।
P3 कब फिनिश हुई है? 19 माइनस 1 इज 18. P4 कब फिनिश हुई? 22 माइनस 3 इज 19. ठीक है, तो ये इसका वेटिंग टाइम आ जाएगा. कैसे निकाला हमने? वेटिंग टाइम इक्वल्स टू फिनिश टाइम माइनस CPU बर्स्ट. तो ये इससे निकल आ गया. एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इन चारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. क्योंकि वर्कलोड में हमें अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो हम सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव वाले यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. और प्रायोरिटी भी नहीं गिवन है, तो हम सिर्फ कौन से एल्गोरिथम के लिए इवेल्युएट करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन. इन तीनों में से हमें बताना है कि किस में जो है एवरेज वेटिंग टाइम कम आएगा. तो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का निकाल लिया, वेटिंग टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, तो 28.75 मिलीसेकंड आया इसका. नेक्स्ट हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव अप्लाई करेंगे. तो क्योंकि अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है जिसको सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए? P3 को. तो पहले हम P3 को दे देंगे 1 टाइम के लिए. फिर नेक्स्ट किसको कम के लिए चाहिए? P4. तो 1 + 3 = 4. नेक्स्ट किसको चाहिए? P1 को 6 के लिए. तो 4 + 6 = 10. और फाइनली किसको दिया जाएगा? P2 को. तो 10 + 12 = 22. अब इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? हमें क्या फॉर्मूला है? फिनिश टाइम माइनस CPU बर्स्ट. तो P1 कब फिनिश हुआ है? 10. ठीक है, P1 10 पे फिनिश हुआ है और इसका बर्स्ट टाइम क्या है? 6. तो 10 - 6 = 4. इसका 4 मिलीसेकंड आ गया वेटिंग टाइम. P2 कब फिनिश हुआ है? 22. और अराइव कब हुआ? CPU बर्स्ट क्या है? 12. तो 22 - 12 = 10. P3 कब फिनिश हुआ है? 1. और बस्ट भी 1 है तो 0, 1 - 1 = 0. P4 का फिनिश हुआ है 4, 4 - 3 = 1. तो इनको ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ गया 3.75 मिलीसेकंड. तो टाइम क्वांटम हमें राउंड रॉबिन में हमें टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है? 2 मिलीसेकंड. तो 2 मिलीसेकंड के लिए सबको CPU असाइन होगा. तो P1 को पहले 2 मिलीसेकंड के लिए मिला, फिर P2 को 2 मिलीसेकंड, फिर P3 को देखें तो कितने टाइम के लिए चाहिए? 1, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या था? 2. तो इसको सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए चाहिए, तो इसे 1 मिलीसेकंड के लिए ही असाइन होगा. तो इसको 1 के लिए मिल गया. ठीक है, P3 का सिर्फ टाइम कितना था? 1. अब P3 ख़त्म हो गया, अब P3 रिपीट नहीं होगा. P4 को 2 टाइम्स के लिए मिल गया. P4 का टाइम क्या था? 3, यानी 1 मिलीसेकंड अभी से और चाहिए CPU. तो P1 को 2 मिल गया मिलीसेकंड के लिए, P1 को 2 मिलीसेकंड के लिए CPU मिला, फिर P2 को 2 मिलीसेकंड, P3 को 1 के लिए चाहिए था तो 1 मिलीसेकंड मिल गया, फिर P4 को दे दिया, फिर किस पे मिलेगा अगेन? P1 को 2 मिलीसेकंड, तो 7 + 2 = 9. फिर P2 को मिलेगा 2 मिलीसेकंड. अब P4 को सिर्फ 1 बचा हुआ था, क्योंकि इसका CPU बस क्या है? 3. और 1 वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो बचा कितना? 1. तो P4 को 1 मिलीसेकंड के लिए मिल गया. 11 + 1 = 12. अब P1 कितना बचा हुआ है? P1 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये हो जाएगा, एक बार और आएगा, 6 हो जाएगा. ये यहाँ पर P1 ख़त्म. P2 कितना बचा हुआ है? P2 कितना था? 12. तो P2 2 हो चुका, 4. ठीक है, ये P2 हो चुका है 2, 4, बाकी कितना बचा? 8. तो 14 + 8 कितना हो जाएगा? 22. तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि और कोई प्रोसेस बची ही नहीं थी. अब P1 का फिनिश टाइम क्या है? P1 फिनिश हुई है 14 पर. तो 14 माइनस उसका CPU बस क्या है? 6. तो 14 - 6 = 8. तो 8 मिलीसेकंड इसको लगे. ठीक है, P2 का फिनिश हुई है, P2 फिनिश हुई है 22 पे. 22 - 12 तो कितना आएगा? 10. ठीक है, P3 कब फिनिश हुई है? 5 पे. और ये क्या है? 1. तो 5 - 1 = 4. P4 कब फिनिश हुई? 12 पे. तो 12 - 3 = 9. अब इनको ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7.75 मिलीसेकंड. तो सबसे कम वेटिंग टाइम किसका है? एवरेज वेटिंग टाइम SJF का. तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग के थ्रू हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया जो वर्कलोड हमें गिवन है, उसके बेसिस पे हमने बता दिया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा. तो फ्रॉम अबो रिजल्ट्स, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एल्गोरिथम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट.
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल, फास्ट टू कंप्यूट एंड चीप. इट इज़ यूजफुल वेयर वी वांट टू रन सेम प्रोग्राम मोर टाइम्स टू इवेल्यूएट एग्जैक्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोग्राम. ये सिर्फ कहाँ पर यूजफुल है? जब आपको सेम प्रोग्राम्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करके ये इवेल्यूएट करना है कि उसको कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, ठीक है, बाकी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड वर्कलोड पे वर्क कर रहा है. तो अगर एक ही प्रोग्राम हमारे वही सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिनको बार बार हम एग्जीक्यूट करके उसका एग्जैक्ट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स एग्जैक्ट नंबर्स फॉर इनपुट्स एंड इट्स आंसर अप्लाई टू ओनली दोज केसेस. यानी ये प्री डिटरमाइंड वर्कलोड पे वर्क करता है, रियल प्रोसेसेस पे वर्क नहीं करता है. तो इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए होते हैं और जो आपने इनपुट्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं के ही वो आंसर्स आपको फाइंड आउट करके देता है. इट रिक्वायर्स एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ सिस्टम और वर्कलोड. इसे एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए होता है वर्कलोड का, यानी प्री डिटरमाइन वर्कलोड चाहिए होता है. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, यानी जो दिया है उसी पे वर्क करेगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा. वो जो आपने वर्कलोड दिया है उसी पे वर्क करेगा, उसके अलावा किसी वर्कलोड पे वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट क्या है? क्यूइंग मॉडल और क्यूइंग एनालिसिस. सेकंड एल्गोरिदम इवैल्यूएशन मेथड इज क्यूइंग मॉडल्स और क्यूइंग एनालिसिस. सेकंड मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स इज टू यूज क्यूइंग थ्योरी. इट इज़ अप्लाइड टू वेरिएबल सेट ऑफ प्रोसेसेस, नॉट ऑन स्टैटिक सेट ऑफ प्रोसेसेस एज इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग. तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल सेट ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं, कोई भी प्रोसेसेस हो सकती हैं, कोई फिक्स सेट ऑफ प्रोसेसेस पे ये वर्क नहीं करता है. हियर द कंप्यूटर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज ए नेटवर्क ऑफ सर्वर्स एंड ईच सर्वर हैज़ ए क्यू ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस. या हम क्यूइंग मॉडल में क्या अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में उसको हम सर्वर मानते हैं, ठीक है, यानी यहाँ और हर सर्वर के पास क्या होती है, क्यू होती है, यानी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सर्वर हैं. तो नेटवर्क ऑफ सर्वर होता है हमारे कंप्यूटर में और हर सर्वर के पास क्या होगी, क्यू ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस होगी, ठीक है. जैसे सीपीयू को हमने एक सर्वर मान लिया तो उसकी अपनी एक रेडी क्यू होगी, मेमोरी को हमने एक सर्वर मान लिया उसकी अपनी एक रेडी क्यू होगी. तो हर रिसोर्स को हम एक सर्वर मानेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी रेडी क्यू होगी, और जो हमारा पूरा सिस्टम होगा उसे हम क्या मानेंगे, नेटवर्क ऑफ सर्वर्स. तो सीपीयू इज़ ए सर्वर विथ इट्स रेडी क्यू. इफ़ वी डिफाइन ए क्यू फॉर दी सीपीयू एंड ए क्यू फॉर ईच आईओ डिवाइस, वी कैन टेस्ट द वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूजिंग क्यूइंग थ्योरी. अगर हम हर रिसोर्स को जैसे सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को सर्वर मानते हैं और मानते हैं कि उसके पास एक क्यू है, एक वेटिंग क्यू है प्रोसेसेस की, तो हम क्यूइंग थ्योरी अप्लाई करके वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं. Knowing the arrival rates and the service rate, we can calculate CPU utilization, average waiting time, average queue length, etc. अगर हमें processes का arrival rate और उनका service rate हमें पता होता है तो हम CPU का utilization find कर सकते हैं, processes का average waiting time find कर सकते हैं, average queue length कितनी होगी ये find out कर सकते हैं. This area of study is called as queuing network analysis. इसको हम क्या बोलते हैं, queuing network analysis, क्योंकि हर एक को हम रिसोर्स को सर्वर मान रहे हैं और उसके साथ एक क्यू है ये मान रहे हैं. Here we use Little's formula, ठीक है. Little's formula क्या है, कैपिटल N equals to lambda W. तो यहाँ पर N क्या है, N is the average queue length, जो क्यू हर किसी सर्वर के साथ या रिसोर्स के साथ दी हुई है उसकी एवरेज क्यू लेंथ हम मान रहे हैं n. w क्या है, इज़ दी एवरेज वेटिंग टाइम इन दी क्यू. हर एक प्रोसेस को जो एवरेज वेटिंग टाइम लगेगा उस क्यू में वेट करने का वो हमारा है w. और लैम्डा क्या है, इज़ दी एवरेज अराइवल रेट फॉर दी न्यू प्रोसेस इन दी क्यू. जो न्यू प्रोसेस क्यू में आ रही है उसका एवरेज अराइवल रेट जो है उसे मान रहे हैं लैम्डा. तो इफ़ द सिस्टम इज़ इन स्टडी स्टेट, अगर हम मान रहे हैं कि सिस्टम हमारा स्टडी स्टेट में है, स्टडी स्टेट मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस लीविंग द सिस्टम एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइविंग द सिस्टम इक्वल है. प्रोसेसेस जितनी सिस्टम से लीव हो रही हैं और जितनी सिस्टम के अंदर अराइव हो रही हैं, अगर वो इक्वल हो जाए,
जितनी प्रोसेसेस सिस्टम में आ रही हैं और जितनी प्रोसेसेस सिस्टम से लीव हो रही हैं, अगर ये इक्वल हो जाए तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा w अकॉर्डिंग टू लिटिल्स फॉर्मूला। तो n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस लीविंग दी सिस्टम, क्योंकि एवरेज क्यू लेंथ n है, तो जितनी क्यू की लेंथ होगी उतनी प्रोसेसेस सिस्टम से लीव हो रही होंगी। जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस लीव हो रही हैं सिस्टम में उतनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइव होंगी, तो कितनी प्रोसेसेस अराइव होंगी, लैम्डा इंटू डब्ल्यू। तो लिटिल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डब्ल्यू। नोइंग वैल्यूज ऑफ टू ऑफ थ्री वेरिएबल्स वी कैन कैलकुलेट दी थर्ड। अगर इन दोनों में, इन तीनों वैल्यूज में से आपको कोई भी दो वैल्यूज पता होंगी, कोई भी दो वेरिएबल्स पता होंगे, तो आप थर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको अगर एवरेज क्यू लेंथ पता है और अराइवल टाइम पता है तो आप वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सपोज करो, इफ़ यू नो दैट सेवन प्रोसेसेस अराइव एवरी सेकेंड ऑन एवरेज, सेवन प्रोसेसेस अराइव होनी है, यानी कि लैम्डा आपको क्या दिया हुआ है, सेवन, एंड दैट देयर आर नॉर्मली 14 प्रोसेसेस इन द क्यू एंड लेंथ ऑफ द क्यू क्या दिया हुआ है, एंड 14, देन कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू लैम्डा डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 14 इक्वल्स टू 7 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2, देयरफॉर एवरेज वेटिंग टाइम पर प्रोसेस इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो हर प्रोसेस को 2 सेकेंड्स के लिए क्यू में वेट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम सभी एल्गोरिदम्स के एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। लिमिटेशंस क्या हैं, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्विंग मॉडल्स इज दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिफाइन रियलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम्स एंड वी हैव टू मेक अजम्पशंस। हम रियलिस्टिक टाइम को ईजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें क्या करने पड़ेंगे, अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। दिस रिजल्ट्स इन द मॉडल ओनली बीइंग एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स। तो उससे क्या होगा, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड कर पाएंगे, एक्चुअली क्या हो रहा है उसको हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड कर पाएंगे। अराइवल रेट्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, ठीक है। अराइवल रेट और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, हैंस वी कैन नॉट ट्रस्ट द रिजल्ट्स ऑब्टेन कम्प्लीटली। तो जो रिजल्ट्स फाइंड आउट होंगी हम उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट अल्गोरिदम इवेल्यूएशन मैथड जो है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक मॉडल क्रिएट करना। जैसे सपोज अगर किसी को कार ड्राइव करना सीखना है तो उसके सिमुलेटर्स आते हैं, हमें क्या फील होता है कि हम रियली कार ड्राइव कर रहे हैं बट एक्चुअली उसका सिमुलेटर होता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है तो आप बाइक वाला गेम खेलते हो तो आपको लगता है कि आप रियली उसको चला रहे हो, बट इट्स अ सिमुलेटर ऑफ बाइक। तो सिमिलरली टू गेट अ मोर एक्यूरेट इवेल्यूएशन ऑफ शेड्यूलिंग अल्गोरिदम वी कैन यूज सिमुलेशंस। किसी भी अल्गोरिदम्स को इवेल्यूएट, शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स को इवेल्यूएट करने के लिए हम इसके सिमुलेटर्स भी बना सकते हैं, यानी एक प्रोग्रामिंग मॉडल बना सकते हैं, उसका कंप्यूटर के थ्रू एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिमुलेटर बना सकते हैं। तो सिमुलेशंस इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग ए मॉडल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करके हम उसका एक मॉडल बना सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम उसका एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो हमें क्या बताएगा, उसकी इवेल्यूएशन करके बताएगा वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स की, हमें वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स की जो हमें इवेल्यूएशन करके बताएगा कि कौन सा उस गिवन क्राइटेरिया के लिए बेस्ट अल्गोरिदम है। The simulator has a variable representing a clock. As this variable's value is incremented, the simulator modifies the system state to reflect the activities of the devices, processes and the scheduler. तो simulator के अंदर एक variable clock use किया जाता है, जैसे ही उसकी value increase हो जाती है तो simulator जो है उसकी system state modify हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट करता है डिवाइसेस की एक्टिविटीज़ की, कौन सा डिवाइस कितनी देर के लिए यूज़ हुआ, कौन सी प्रोसेस अराइव हुई, शेड्यूलर ने क्या डिसीजन लिया, कौन सी प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है पता चल जाती हैं जब क्लॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर द सिमुलेशन एग्जीक्यूट्स The statistics that indicate the performance are gathered and thus the efficiency of an algorithm is evaluated. जब simulator execute हो जाता है तो जो उसने output
या जो उसने स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस किया है उसको गैदर करके हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इवेल्यूएट करते हैं। यानी सपोज उसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन अप्लाई करके हमें आउटपुट जनरेट करके दिया वेटिंग टाइम, तो हम उनके वेटिंग टाइम्स को एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि किसका एवरेज वेटिंग टाइम कम आया, तो हम उस बेसिस पे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इवेल्यूएट करेंगे कि वो हमारे गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग यूज़ करके, एक कंप्यूटर मॉडल जनरेट करेंगे, एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। यानी सिमुलेटर क्या है, एक प्रोग्राम ही है जिसको हम इनपुट में क्या देंगे, वर्कलोड देंगे जो रियल प्रोसेसेस का होगा, और उसको वो इवेल्युएट करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, जो हमारा क्राइटेरिया होगा उस जो उसने आउटपुट जनरेट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, और जो हमारी क्राइटेरिया को जो रिजल्ट हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो एल्गोरिदम बेस्ट होगा। तो द डेटा टू ड्राइव द सिमुलेशन कैन बी जनरेटेड, जो डेटा हम सिमुलेटर को देंगे कैन बी जनरेटेड सेम वे एज क्विंग मॉडल। जैसे क्विंग मॉडल के लिए हमने डेटा जनरेट किया था अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके, हम वैसे भी उसको दे सकते हैं रियल प्रोसेसेस का अप्रॉक्सीमेट डेटा फाइंड आउट करके, तो उससे लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी, वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होंगी, एक्चुअल रिजल्ट नहीं होंगी। तो दूसरा तरीका क्या यूज़ किया जाता है, जो मेनली यूज़ किया जाता है, वी कैन यूज़ ट्रेस डेटा। दिस इज़ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रियल प्रोसेसेस ऑन रियल मशीन्स। क्या किया जाता है कि जो रियल प्रोसेसेस रियल मशीन्स पे एग्जीक्यूट कर रही है उसके डेटा को ट्रेस डेटा पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है एंड इज़ फेड इनटू द सिमुलेटर्स। और ये इनपुट जो है, जो रियल मशीन से जो रियल प्रोसेसेस का डेटा आया है उसको सिमुलेटर को इनपुट दे दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स गुड रिजल्ट्स एंड गुड कंपैरिजंस ओवर अ रेंज ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो हमें ये क्या करेंगे, गुड रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे हम बेटर कंपैरिजंस कर पाएंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में। तो जैसे एक ये सिमुलेटर बनाया गया है जिसमें एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है, जिसमें क्या किया जा रहा है, एक्चुअल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी रियल मशीन में, जो उसका आउटपुट आ रहा है, जैसे सीपीयू 10 मिलीसेकंड यूज़ किया गया, फिर आईओ 213 यूज़ किया गया मिलीसेकंड के लिए, सीपीयू फिर 12 मिलीसेकंड यूज़ किया गया, आईओ 112 यूज़ किया गया, तो इसको ट्रेस टेप पे स्टोर कर दिया गया। एक्चुअल जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने पे जो डेटा जनरेट हुआ उसको ट्रेस टेप पे स्टोर कर दिया गया, और ये किसको दे दिया गया, सिमुलेटर को इनपुट दे दिया गया। और वो सिमुलेटर्स क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम अप्लाई करके परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम अप्लाई करके इस डेटा पे इसका स्टैटिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली राउंड रॉबिन की एल्गोरिदम अप्लाई करके यहाँ पर टाइम क्वांटम 14 जैसे ले लिया है, क्योंकि यहाँ टाइम क्वांटम की ज़रूरत होती है, तो इस पर अप्लाई करके, इस डेटा पे अप्लाई करके इसका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स सभी की जनरेट हो गई। अब इस डेटा को हम कलेक्ट करके हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा गिवन क्राइटेरिया था, कौन सा एल्गोरिदम उस गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा बेस्ट या ऑप्टिमल एल्गोरिदम होगा। तो इवैल्यूएशन, ये फिगर क्या शो कर रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बाय सिमुलेशन। एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्यों, क्योंकि ट्रेस टेप यूज़ करके हम रियल प्रोसेसेस का डेटा कलेक्ट करके इसको इनपुट में दे रहे हैं। इट यूजेस रियल इनपुट्स सो इट इज़ वेरी रियलिस्टिक। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी टिपिकल टास्क टू प्रोड्यूस अ सिमुलेटर बिकॉज कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, तो एक टिपिकल टास्क है। सिमुलेशंस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू रन और इट ऑल्सो टेक्स लॉन्ग टाइम। द ट्रेस डेटा मे बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। ट्रेस डेटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है और उसे ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है स्टोरेज का। इट इज़ कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर्स टेप्स ऑफ लार्ज अमाउंट्स। तो कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए होगा डेटा को ट्रेस करके स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं।